आज हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ साइंस चैप्टर नाइन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स नंबर वन डैश रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इसका आंसर होगा ईस्ट ईस्ट बर्डिंग प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं नंबर टू पोलेन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई डैश इसका आंसर होगा एंथर Grains, एंथर के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं नंबर थ्री द एजेंट्स डेट कैरी द दोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा पोलिनेटर्स ऐसे एजेंट जो एंथर से स्टिग्मा तक पोलिन कैरी करते हैं उसे पोलिनेटर्स कहते हैं नंबर फोर द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड डैश इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन नंबर फाइव सीड्स ऑफ ऑर्किड्स गेट डिस्पर्ज बाय डैश इसका आंसर होगा विंड ऑर्किड के सीड हवा के जरिए फैलते हैं नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन ईस्ट रिप्रोड्यूसेस अक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ईस्ट बडिंग प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं नंबर टू स्वीट पटेटो एंड डालिया यूज देयर रूट फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्टेटमेंट ट्रू है नंबर थ्री यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ ए स्टामिन एंड पिस्टल इन इट ये स्टेटमेंट फॉल्स है नंबर फोर वाटर कैन बी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये स्टेटमेंट ट्रू है नंबर फाइव मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द स्टेटमेंट भी ट्रू है नंबर सिक्स सीड्स ऑफ पी एंड बीन प्लांट आर फॉर्म्ड इन पॉड्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है नाउ सी टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन स्पायरोज सेली बाई इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेगमेंटेशन नंबर टू ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स ब्रायोफाइलम अपने पत्तों के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं तो इसका आंसर होगा लीव्स। नंबर थ्री द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इट्स इसका आंसर होगा फ्लावर नंबर फोर पॉलिन ग्रेन्स कंटेन द इसका आंसर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सेल नंबर फाइव फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द इसका आंसर होगा ओवेरी नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ नंबर वन नेम टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंसर इज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन नंबर टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंसर इज असुअल रिप्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट स्टेम और लीब्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट स्टेम और लीब्स के जरिए जो अक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं नंबर थ्री गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स Which reproduce through spore formation. Answer is mosses and ferns. Number four. Name two artificial methods of vegetative propagation from stem. Answer is grafting and layering are the two artificial methods of vegetative propagation. Number five. When is a flower said to be a bisexual flower? Answer is a flower is said to be bisexual if it contains both a stamen and pistil. Number six. Name any three ways by which seeds are dispersed. Answer is: air, water and animals are the three ways by which seeds are dispersed. Now E answer the following questions: Number one. In what ways is vegetative propagation better than sexual reproduction? Answer is: vegetative propagation is better than sexual reproduction because it takes less time to produce a new plant. A farmer can grow flowers of more than one color, बाई अपलाइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर होता है क्योंकि ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने में कम समय लेता है इस मेथड के जरिए फार्मर एक से ज्यादा कलर के फ्लावर ग्रो कर सकते हैं नंबर टू ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ ए फ्लावर आप अपने बुक में दिए गए इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं नंबर थ्री हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन एंसर इज सेल्फ पॉलीनेशन पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर प्लांट डज नॉट नीड हेल्प ऑफ ए पॉलिनेटिंग एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिन ग्रीन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्लांट नीड हेल्प ऑफ ए पॉलिनेटिंग एजेंट सेल्फ पॉलीनेशन में पॉलन ग्रीन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं जिसके कारण पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रीन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं जिसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है नंबर फोर हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल्स एंड सेपल्स यूजली फॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इंटू ए फ्रूट सो डेट न्यूट्रिशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग सीड फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल और सेपल गिर जाते हैं और डेवलपिंग सीड में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है और इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है number 5 why is dispersal of seeds necessary for growth of plants answer is if all the seeds would fall near the parent plant and germinate there would be too many plants in a smaller area the plants shall not be able to get adequate amount of sunlight water etc as a result most of the plants would not survive hence it is important that new plants grow up far away from the parent plant for this seeds should be spread far and wide अगर सारे सीड एक ही जगह पर गिर जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट छोटे से एरिया में ग्रो होने लगेंगे जिसके कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और सनलाइट नहीं मिलेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसके लिए प्लांट को एक दूसरे से कुछ दूरी पर ग्रो होना होगा और इसी कारण सीड्स का दूर दूर तक फैलना जरूरी होता है वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में